अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी आज मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों ने रोज़ा रखा है हमारी फैमिली में 9 जिलहज का, इस वजह से वो अफ्तारी बना रहे हैं हम, तो वो मैं आपको थोड़ा सा मैंने कहा व्लॉग बना के आपको दिखा देती हूँ। वैसे स्पेशल रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बस वैसे ही मैं जो है वो बना रही हूँ। आज हम स्कंजबीन बना रहे हैं, उसके लिए ये मैंने पानी डाल दिया है एक बर्तन में, खुले बर्तन में। बाल्टी भी ले सकते हैं आप, जो चाहें वो ले सकते हैं, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप शुगर ले सकते हैं, उसमें शुगर डालें। उसके बाद जो है आप, हम उसमें नमक भी डालते हैं। ये देखिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, अब ये आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो जाएगा, ये देखिए। और उतनी देर में मैं ये है, ये जो है ये वो मैंने धो के अच्छी तरह इनको काट लिया है, और मैं इनको अब स्क्वीज कर लूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए अभी इनको निचोड़ लूँगी अच्छे से, और ये जो मैं है इसमें ऐड कर दूँगी। ऐसे ये हमारी जो है इसका भी तैयार हो जाएगी। अच्छा ये मैं बाद में करती हूँ, और ये देखिए ये इसके बाद मैं बना रही हूँ टिक्की पकौड़े बना रही हूँ। ये उसके लिए मैंने बेसन लिया है, ये आलू छील लिए हैं। आलू को छीलने के बाद हम जो है, मैं आपको बताती हूँ, इस शेप में हम काट लेंगे ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस शेप में हम इनको कट कर लेंगे। ये देखिए और ये कुछ समोसियाँ, ये हमने लिए हुए हैं छोटे पकौड़े, सॉरी पकौड़े नहीं, ये समोसे हैं, ये लिए हैं हमने, तो कुछ ये हम फ्राई करेंगे, सॉरी। अच्छा इसको हम इस शेप में काट लेंगे। काटने के बाद ये मैदे का मैं बैटर बनाऊंगी। ये मैंने ले लिया बेसन, इसमें अब मैं मसाले डालूंगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें कौन कौन से मसाले ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। ये लाल मिर्च है वो इसमें डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी थोड़ा सा, और ये पिसा हुआ गर्म मसाला है, और ये है पिसा हुआ धनिया। ये थोड़ी सी हल्दी भी डाल लूँगी, इससे कलर अच्छा आएगा इसका। इसको मैं अब ये पानी डाल के अच्छा सा इसका बैटर बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये इसका बैटर बन जाएगा अच्छे से। इतनी अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे हम कि ये गुठलियाँ ना रहे इसमें बिल्कुल भी। ये देखिए जब मैं इसको बना के अच्छे से रख दूँगी तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी जो गुठलियाँ हैं इसमें। कुछ देर के बाद मैं अच्छे से फिर मिक्स करूँगी तो ये होंगी मिक्स। बिस्मिल्लाह, ये मैंने ऐसे एक साइड पर रख दिया इनको। अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी। ये ऑयल गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। बाकी के आलू मैं ऐसे काट लेती हूँ थोड़े से। अब मैं इनको जो है फ्राई करने के लिए डालती हूँ। ये देखिए अब ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ठीक है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला करती हूँ। ज़्यादा थिक नहीं रखना हमें इसको। बिस्मिल्लाह, ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लें इसको। बच्चे खेल रहे हैं, वो शोर कर रहे हैं, तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़ आवाज़ों को। ये देखिए अब मैंने ये इसमें थोड़े से डाल लिए हैं। ऑयल को हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे डाल के कि हो जाएगा फ्राई। हाँ जी, ऑलमोस्ट ऑयल जो है नॉर्मल गर्म हो चुका है। अब ये हम इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालते जाएंगे, तो ये फ्राई हो के खुद से ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए
दरमियानी आँच रखनी है हमने, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, इससे वो जल जाएंगे और अंदर तक पकेंगे नहीं। ये देखिए ऐसे ही पूरा हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसको जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने इसमें समोसे भी डाल दिए हैं थोड़े से, ये छोटे समोसे बोलते हैं इसको, जो ये हो गए हैं फ्राई। अब मैं इनको निकालूंगी और ऐसे ही बाकी के बना लूंगी, फ्राई कर लूंगी। इसमें ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं हमारी टिक्कियाँ। ये मैं इनको निकाल निकाल के इसमें रख रही हूँ, फिर मैं इसका बर्तन जो है चेंज कर लूँगी, किसी और बर्तन में डाल लूँगी। वहाँ ये हमारे और खाने भी पक रहे हैं, सालन दो पक रहे हैं, चिकन है, मटन है, और ये चावल भी बनाए हैं हमने। जिस जिसने जो जो खाना होगा वो हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ही अब मैं ये जो समोसे रह गए हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। ये क्योंकि फ्रीज किए हुए थे मैंने, तो ये हल्की आग से ही इनको करूँगी और मैं स्लो कर दूँगी। ये खजूरें हैं, अल्लाह ताला के घर की खजूरें हैं, इनको मैं अच्छे से धो के इनकी गुठलियाँ निकाल के इनको भी रेडी कर लेती हूँ। ये देखें हमारा सारा खाना जो है रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।